तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत आणि त्यांची पहिली सभा जळगावात पार पडली आहे. यावेळी त्यांनी खास मराठीतून भाषणाला सुरुवात केली. तर जनादेश देण्याचं जनतेला मोदींनी आवाहन केलंय. दरम्यान कार्यकर्त्याला फोटोतून बाजूला काढणाऱ्या पवारांच्या व्हिडिओची मोदींनी यावेळी खिल्ली उडवली आहे. सच्चा है झूठा है वो तो आप जांच कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं. मैंने तो देखा ही नहीं बता था. एक नेता जी सोफा पर बैठे हैं माला पहनाने के लिए, उनकी पार्टी के नेता आए तो तीन चार लोगों ने उनको पकड़ करके खड़ा किया नेताजी को, और फिर माला पहनाई तो बीच में एक छोटी जगह थी तो एक नौजवान ने अपनी मुंडी दिखाई. तो ये इतने बड़े नेता जिसकी जीवन भर अखबारों में फोटो छपती रही है, टीवी पर दिखते रहे, बड़ा माना गया है, लेकिन मन इतना छोटा था कि एक नौजवान की मुंडी दिख रही तो ऐसे करके उसको उठा लिया. जो लोग अपने ही दल के मंच पर बैठे हुए अपने महत्वपूर्ण साथी की मुंडी भी माला में घुस गई तो कौनी मार करके बाहर निकाल दिया. जो अपने ही दल को पढ़ा नहीं मना सकते वो आपके बेटे को कैसे पढ़ा. आज महाराष्ट्र के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचाई जा रही है. इसमें भी महाराष्ट्र प्रशंसनीय कार्य कर रहा है. देवेंद्र जी आपको बधाई, आपकी टीम को भी बधाई. यहां के 7 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 2000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं. किसी में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कल्चर नहीं. आप हैरान हो जाएंगे, 70 साल हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले मेरे वाल्मीकि भाइयों बहनों को, मानव को जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था. आज मैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए कहता है तो मेरे वाल्मीकि भाइयों को गले लगाने का मुझे सौभाग्य मिला. एक ऐसी स्थिति जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का विस्तार हो रहा है. ये विस्तार था आतंक का, अलगाव का. एकता और एकीकरण की सोच के खिलाफ षड्यंत्रों का. भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का मस्तक है, मां भारती का सिंह. नमस्कार, मी लाघवी सावंत बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत करते. सुरुवातीला बातमी अर्थातच प्रचार सभेची. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज प्रचाराकरता महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत आणि कोल्हापुरात त्यांची जाहीर प्रचार सभा पार पडली आहे. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या कार्याचं कौतुक केलं. मोदींनी काश्मीरला कायमचा भारताशी जोडलं असंही शहा म्हणाले. दरम्यान या सभेत त्यांना सांगली आणि कोल्हापुरात आलेल्या महापुरामुळे जे नुकसान झालं त्यावरही त्यांनी भाष्य केलंय. सांगली कोल्हापूरला पूर्वीपेक्षाही जास्त सुंदर बनवणार असल्याचं त्यांनी यावेळी जनतेला सांगितलं. देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी को 300 सीटें दे दी और मोदी जी ने पहले ही सत्र के अंदर 70 साल से देश की जनता जिसकी राह देखती थी, दिल में एक कसक थी कि कश्मीर
हमारे साथ जुड़ा नहीं है, उसका कारण धारा 370 और 35 से है। मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 को उखाड़ कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया।